हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ये दोस्तों मैंने लगाई हुई है कनेर की कटिंग और ये वाइट वाले कनेर हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये कलर मेरे गार्डन में नहीं था तो मैंने सोचा चलो इनकी कटिंग लगा ली जाए और बहुत ही प्यारे लगते। मेरे पास रेड कलर का है, पिंक कलर का है, येलो है, ये कलर वाइट कलर नहीं था। तो दोस्तों मैं इनको ना कहाँ से लाई हुई बता देती हूँ। इसको मैंने दोस्तों हाईवे के साइड से लाया है, जो हाईवे वाला रोड होता वहीं से मैं लेकर आई हूँ। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के लगे हुए थे तो ये वाला कलर नहीं था। तो जो हम गार्डनर्स होते हैं बहुत होते हैं लालची, तो मैंने सोचा चलो मैं ले आती। तो दोस्तों मैं बता दूँ, मैं रात को 11:30 बजे वॉक पे गई थी खाना खाने के बाद, तो वहीं से कटिंग लेकर आई हूँ, तोड़ के लाई हूँ। बहुत ही बड़ी बड़ी ट्रकें चल रही थी, उसके बीच से मैं गई थी लेने और मतलब मेरे हस्बैंड बहुत ही गुस्सा हो रहे थे। तो कटिंग कैसे लगाएं दोस्तों, कटिंग का जो मेथड होगा दोस्तों, अगर मैं बताऊंगी तो आपकी कटिंग इस तरीके से 100% ग्रो हो जाएगी। तो वीडियो में आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों कटिंग मैंने बताया कि मैं हाईवे से लेकर आई हूँ, गुस्सा भी हुई, डांट भी पड़ी मुझे, बट फाइनली मेरे गार्डन में आ गया। जो प्लांट लवर होते हैं उनका कुछ इसी तरीके से कंडीशन होता है। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा जो लीव होती दोस्तों हटा देनी चाहिए ताकि कटिंग आपकी हिले ना। अगर इसमें पत्तियाँ वगैरह रहती है ना तो कटिंग हिलने के चांसेस रहते हैं। तो ये मैं दो कटिंग ली थी, मतलब बड़ी बड़ी थी, तो मैं सोच रही थी इनको छोटा छोटा करके मैं हर इसका पार्ट ग्रो करूँगी, क्योंकि ये चीज़ें दोबारा नहीं मिलने वाली। इतनी डांट पड़ी है मुझे ना, दोबारा तो मैं नहीं जाने वाली, ना ही मुझे ले जाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि इनकी मैं 4 या 5 कटिंग ज़रूर तैयार करूँ, जिसमें से एक कटिंग ज़रूर लगे। तो दोस्तों ये चीज़ होता है ना, जब भी आप कटिंग ग्रो करें तो 4 या 5 लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी हमारी कटिंग सक्सेस नहीं होती है। तो इनका जितना भी पार्ट निकलेगा, न्यू ओल्ड मैच्योर सारी में ग्रो करने वाली, तो अच्छे से इनकी प्रूनिंग हमें कर लेनी है ताकि इनकी कटिंग अच्छे से लग जाए। देखिए इस तरीके से दोस्तों, अगर हम तिरछी कटिंग देते हैं, जिसको हम कलम की कटिंग बोलते हैं, कलम करना कहते हैं, कलम करके लगाते हैं ना, तो रूट जल्दी से आती है। फिर स्किन हटाते थोड़ी सी तब भी इसमें रूट आ जाएंगी। तो यहाँ पे फिलहाल इतनी कटिंग्स तैयार हो गई हैं। चलिए हम बताते हैं सॉइल। तो मैं दोस्तों ना सैंड सॉइल ज़्यादा बिलीव करती हूँ लगाने के लिए। तो यहाँ पर रेड वाली सॉइल जिससे घर बनती है ना, वो वाली सॉइल बेस्ट सॉइल होती है। इनमें आपकी कटिंग हम कभी भी ख़राब नहीं होगी दोस्तों, 100% लग जाती है। एक दो हो सकती है, बट मैं बता दूँ अगर 100 में तो 90% तो लग ही जाती, 10% मुश्किल है, बट 90% लग जाती है। तो यहाँ पे मैं 3 और 2 डिस्पोजल ग्लासेस में लगा रही हूँ, एक में ले रही हूँ छोटे से पॉट में। और एलोवेरा जेल दोस्तों आपको पता है कितना अच्छा रूटिंग हॉर्मोन्स होता है, प्लस दोस्तों ये एक फंजीसाइड भी है। तो ये कटिंग देखिए थोड़ी सी मतलब डैमेज हो गई थी तोड़ते समय, लेकिन इनको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। तो अच्छे से एलोवेरा जेल जितना मिट्टी के अंदर रहेगा वो पार्ट हमें डिप करके लगा देना अच्छे से इस तरीके से। तो आप मिट्टी को गीली भी करके लगा सकते हैं, प्लस सुखा के भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर सैंड में लगा रहे तो इस तरीके सूखी करके ही लगाएं ताकि अच्छे से कटिंग पानी डालने के बाद सेट हो जाए। और देखिए इस तरीके से मैं इसको भी लगा रही हूँ। कनेर एक ऐसा प्लांट है दोस्तों जो कि कटिंग से लग जाती है। अगर न्यू, मैंने बहुत सी कटिंग्स तैयार करी हैं जो कि न्यू स्टेम होती है वही लग जाती है। मैच्योर में थोड़ा बहुत टाइम लगता है फूल आने में, क्योंकि मैंने लगाया हुआ था मैच्योर वाली जो स्टेम हुई दोस्तों 2 साल बाद फूल उसमें आए थे। न्यू स्टेम जो ग्रोथ करती है ना वो वाली बेस्ट होती है। और अगर रेत में लगाते हैं तो दोस्तों 100% लग जाएगी। तो यहाँ पर मैंने 3 कटिंग लगाई है। कटिंग आप दोस्तों छांव में रखिएगा तो कटिंग सक्सेस हो जाएगी, और नमी हमेशा रखिएगा, जैसे ड्रेनेज अगर अच्छा रहता है तो नमी एक्स्ट्रा रहेगी तब भी दोस्तों चल जाएगा। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि सैंड में ना फंगस नहीं लगते हैं, पानी जब रुकेगा ही नहीं सुबह तो फंगस के चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ पे फिर से मैं जेल लगा लूँ, उसके बाद मैं कटिंग लगाऊँगी। तो मैंने पॉट में डिस्पोजल ग्लासेस में सब में लगा रही थी। यहाँ पे ट्राई पॉट नहीं होने की वजह से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं किसी तरीके से लगा रही हूँ, एक हाथ से कैमरा एक हाथ से, मतलब आप लोग समझ ही सकते हैं जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो फिलहाल कुछ तो जुगाड़ मुझे ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटी अभी पकड़ी थी बट उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था कैमरा पकड़ने में, तो मैंने बोला चलो मैं ही लगा लेती हूँ दिखा के।
तो यहाँ पे ये वाला है, थोड़ी सी मैं कली रहने देती हूँ, मैं देखती हूँ इनका क्या मतलब रिजल्ट आता है। और एक्स्ट्रा लीफ दोस्तों बिल्कुल भी मत रखिएगा, और ज़्यादा बड़ी कटिंग भी मत लीजिए, इससे क्या होता है ना आपकी कटिंग बार बार हवा चलने से हिलेगी। तो छोटी सी कटिंग लगाने की कोशिश करें, पत्तियाँ ज़्यादा ना फूल हों तो उनको बिल्कुल आप हटा दें ताकि ये लग जाए। तो फाइनली मेरी यहाँ पे दोस्तों कटिंग तैयार होगी कनेर की। अगर आप भी इस तरीके की कटिंग ग्रो करना चाहते हैं तो ज़रूर लगाएं। हमारा ये होता है जो चीज़ हमारे गार्डन में नहीं है वो ज़रूर हो, चाहे वो जैसे भी लाकर चोरी करके या फिर खरीद कर हम ज़रूर ला के रखते हैं। तो अगर कहीं से भी हम प्लांट चोरी कर दें दोस्तों तो एक बार ज़रूर ध्यान रखें, उस प्लांट का नुकसान कभी ना करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से हम लोग लगाते हैं, मांग सकते हैं अगर मांगने से। और दोस्तों कोई भी अगर प्लांट मांगता है तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जैसे कि प्लांट छोटा है नहीं दे सकते कटिंग तो मत दीजिए, बट अगर आपके पास वो चीज़ अवेलेबल है कि हाँ पॉसिबल है हम दे सकते हैं तो इनकार भी मत करिए, क्योंकि देने से कभी कम नहीं होता है। अगर आप एक देते हैं तो वो आपके पास दोगुना हो जाता है, ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने जो प्लांट बांटे हैं या गिफ्ट किए हैं वो हमारे गार्डन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा, अगर आपके प्लांट देने लायक है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप मना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कनेर की कटिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।